हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो बनने वाली है सर्टिफिकेशन कोर्स के ऊपर। मतलब अगर आप बीटेक करते हो, कोई भी बीटेक करता है, वो चाहे सिविल से करे, इलेक्ट्रिकल से करे, मैकेनिकल से करे, या कंप्यूटर साइंस से करे, या फिर आईटी से करे, तो ये जो करते हैं, बीटेक करते हैं, तो उन्हें सबसे जरूरी होता है सर्टिफिकेशन। मतलब उनको सर्टिफिकेशन कोर्स करना एकदम अनिवार्य है, दैट मीन कंपल्सरी है। तो ये कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, तो इसके लिए टेंशन वेंशन लेना नहीं है। सबसे बेसिक सा उपाय है नैपटेल। नैपटेल क्या होता है, ये प्रोवाइड की जाती है सर्टिफिकेट आपको स्किल्स के ऊपर। मतलब जितने भी आईआईटीज हैं, जो ये प्रोग्राम चलाया जाता है एमएचआरडी के द्वारा, ये गवर्नमेंट होता है, तो ये सबसे सेफ है और सबसे सही है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट से करते तो वो आपको ऐसे ठग सकते हैं या वैसे ठग सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ये सुपर्ब है, बहुत सही है। आपको क्या करना है, बस नैपटेल जाना है, नैपटेल ऑनलाइन कोर्स खोलना है, और ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, कोई प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है। और आप बीटेक कर रहे हो तो सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीवी में डालने के लिए चाहिए होगा एनी हाउ। और ऐसे भी आपको 3 या 4 इंटर्नशिप चाहिए एनी हाउ, ये सरकार का रूल है। तो आप इधर उधर से करो, उससे बढ़िया है कि आप यहाँ से करो। तो सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से ब्रांच से हो, कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको बस क्या करना है, आप सिविल से हो या फिर कुछ और से, आपको अपने वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स पे जाना है, नैपटेल के ऑनलाइन कोर्स जाना है, उसको सर्च करना, आपको उसको उसका साइट खुलेगा। और क्या करना, आप अपना सिलेबस, अपना कोर्स चुनना, आप सिविल हो, ECE हो या फिर CSE हो, आप जो भी हो अपना कोर्स चुनो। उसके बाद कोर्स चुनने के बाद क्या करियो कि देखियो आपको करना क्या है। जैसे मैं BTech CSE का स्टूडेंट हूँ और मुझे इथिकल में पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने क्या करा कि नैपटेल ऑनलाइन कोर्स पे खोला, और वहाँ पे मैंने देखा कि किस किस प्रोग्राम को दिया हुआ है सर्च करने, मतलब सीखने के लिए। तो मैं फर्स्ट ईयर में, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे इसके बारे में कुछ कन्फर्म पता नहीं था, और जो पता चला था तो टाइम निकल चुका था, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में कर नहीं पाया। और सेकेंड सेम में मैंने सी और सी प्लस प्लस दोनों के लिए करे, तो इन दोनों का सर्टिफिकेट कोर्स मैंने करे और मुझे सर्टिफिकेट मिला। तो बेसिक सी बात है, ये बहुत सुपर है क्योंकि ये IITs द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप बस सीखना चाहते हो तो आराम से सीख सकते हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसके लिए आपको पैसे नहीं लगने। हाँ, पैसे कब लगने, पैसे लगेंगे, लेकिन पैसे कब लगने, जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि आपको कंटिन्यूस CA, मतलब उसका कुछ असाइनमेंट होंगे, और उस असाइनमेंट में आपको कम से कम 10% मार्क्स स्कोर करने हैं, और लास्ट एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको 30% मार्क्स स्कोर करने हैं, ये दोनों मिला के 40% मार्क्स स्कोर करने हैं, और 40% से एबव, देन आपको सर्टिफिकेशन कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैंने जैसे CSE और C++ के लिए करा था और मुझे मिल गया, और आप भी ये कर सकते हो। इसमें बहुत सा आता है, अगर आप पाइथन सीखना चाहो या फिर कुछ और, आप आराम से सीख सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मैंने इन दोनों का सीखा, अब मैं इथिकल हैकिंग में मेरा इंटरेस्ट है पर्सनली, तो मैं वो सीख रहा हूँ, मतलब अभी जस्ट उसको लिया है। और एक बात तो माननी पड़ेगी बॉस, IITs के टीचर जो पढ़ाते हैं वो सुपर पढ़ाते हैं। हाँ, उनकी लैंग्वेज पूरी इंग्लिश होती है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4, 5, 10 वीडियोज जब देखोगे तो फिर आपको हैबिट हो जाएगी, मतलब इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो ट्राई करना कि अभी से इंग्लिश में हैबिट बनाओ सुपर वाली, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, बातचीत ये सब चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और हाँ, क्यूरी, आप क्यूरी पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी आप नीचे पूछ सकते हो। और ट्राई करना कि अभी इनरोल कर लो, क्योंकि अभी इसका इनरोलमेंट हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि अभी इनरोल हो जाओ। और इसका एक और बेनिफिट होता है, जैसे अगर आप नैपटेल दे रहे हो और लोकल चैप्टर होता है, इसमें आप LPU को सिलेक्ट कर रहे हो, अगर लोकल चैप्टर में आप LPU को सिलेक्ट कर रहे हो, तो इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और उन बेनिफिट्स में है जैसे कि आपका CA जो होता है, CA 3 होते हैं, आपको मैंने नीचे के वीडियो में, पहले के वीडियो में बताया हुआ था, उसका मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लियो, तो आप वहां से देख लेना। CA में जो मार्क्स होते हैं उसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड कराई जाती है, साथ में मिड टर्म जो होते हैं उसमें भी बहुत से प्रोवाइड, मतलब हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है।
तो एक सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट हो जाता है आपको अच्छे अच्छा खासा, और साथ में बहुत सारे मार्क्स को लेके प्रॉब्लम सॉल्व यार, ये करो और इन सब झंझटों से बचो, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट चाहिए एनी हाउ। तो प्राइवेट लो, उससे बेटर होगा आप गवर्नमेंट वाला लो, और गवर्नमेंट वाला ये भी क्या, ये IITs द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, तो सबसे सेफ है, सबसे बढ़िया है। आप दूसरा कोई लेने से बढ़िया आप इनसे पढ़ो और सीखो, और कम से कम सीख तो सकते हो ना। अगर ठीक है माना 1000 रुपये अभी नहीं है, फिर जब होंगे तब आप करियो, बट सीख तो सकते हो। आप इन कोर्स में इनरोल कर लो, आपको जो जो करना है, अगर आपको सी लैंग्वेज सीखना आप सी लैंग्वेज के लिए इनरोल कर लो, आपको सी प्लस सीखना आप सी प्लस प्लस के लिए इनरोल कर लो, पाइथन सीखना पाइथन के लिए इनरोल कर लो। अगर मेरी तरह आपको इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ से इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट लो, मतलब उसका कोर्स इनरोल करो। तो ये बहुत सुपर बहुत ईजी है, ट्राई करो। और कोई भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर Nptel पे, दूसरा वीडियो बनेगा जल्दी, तब तक के लिए बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल रंग का प्यारा सा बटन होगा उसे दबाओ, उसके बगल में घंटा होगा उसे बजाओ, और कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और जल्द से जल्द भाई जल्द से जल्द दबाओ, जल्द से जल्द ट्राई करो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए सिया।